लेकिन नानका कुछ भी बोल, तूने संगीत संध्या एकदम फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइज किया था, और रमेश और नीना का डांस जब अड़े ये लाजू नको। अरे अरे डीवीडी में रजनी अम्मा ने क्या मस्त डांस किया था, नैनो में सपना सपनों में सजना। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था पवन कुमार जी का डांस। हाँ। अरे मुझे तो मालूम नहीं था इतना अच्छा डांस करते। अरे अंबिका वहां क्यों खड़ी, अंदर आ जाओ। क्या हुआ अंबिका बहन, आप इतनी चुप क्यों है? नानका भाभी मोटा भाई, आज इस घर में मेरी आखिरी रात है। बहुत अजीब लग रहा है, कल से ये घर मेरे लिए पराया हो जाएगा। हाँ अंबिका, कल से हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हाँ अंबिका, आपके बिना तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। मैं किसके साथ मस्ती करूंगा, किसे परेशान करूंगा? बस अंबिका बहन मत रोइए, पवन कुमार और उनके परिवार वाले इतने अच्छे हैं कि आपको इस घर की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। और ये घर तो आप ही का है, जब मन चाह आ जाइए। दरवाजे पर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है, है? बस अंबिका बहन मत रोइए, कल से रोज सुबह 6 बजे उठ के पवन कुमार आपके लिए गाना गाएंगे, कहो ना प्यारे। मैं आपकी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता, ले जाइए उसे मेरी नजरों के सामने से। अरे 5 नहीं बजे बक्कू, मेरे 12 बज गए। ये क्या बोल रहे हो भावेश? अरे बक्कू मैंने फिर से वही सपना देखा अंबिका की शादी में। भावेश ये सपने देखना बंद करो, अंबिका बहन की शादी का दिन आ गया, आज उनकी शादी भी हो जाएगी। सबके सपने जुड़े हैं अंबिका की शादी के साथ, हे भगवान मेरा ये सपना कभी सच ना हो। बकुआ, हाँ फैबा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। बस 15 मिनट। अच्छा फैबा, आपके लिए क्या गरम गरम नाश्ता बनाऊं? पटाखा पुआ उपमा। शादी के दिन गरम नाश्ता कोई नहीं खिलाता है, भावनगर से गाठिया लाई हूँ, सबको वही दे दे। चल जा जल्दी तैयार था। भले भले भले। इनकी किसी को पड़ी नहीं है, कितना काम है। कौन है? मैं गुड़ी गुड़ी। अरे तो भूत बनकर क्यों खड़ी है? वो ब्यूटी पार्लर वाले आई नहीं अभी तक? आइए ना, अंबिका बहन को तैयार कर रही है, उसके बाद मुझे तैयार करेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। वैनिला पाई। वैनिला नहीं, वन लीला नाम है मेरा, जल्दी तैयार हो। सॉरी। जय श्री कृष्ण भाई। अरे नानका, माँ माटला की सारी तैयारी बराबर हुई है ना? हो गई। कुछ छूट तो नहीं गया? आप क्यों टेंशन लेती है, हमें कौन सा दूर जाना है, बाहर कॉलोनी में तो शादी है। बात तो तेरी सच है। अरे भावेश, भावेश तू बेटा अभी दाढ़ी बना रहा है, तू तैयार कब होगा? अरे 2 मिनट फिर, सुबह से कितना काम है, अभी तैयार होता हूँ। लेकिन फई तुम्हें तो एकदम मस्त लागो छो। लागो ने आखर फई को नहीं छू। अरे भावेश नी छोड़, जल्दी तैयार हो। मैं कौन सा बुस्कुट पहनूं फई? गंजी पहन के शादी में जाना, और भावनगर अहमदाबाद से मेहमान आ रहे हैं, उनको स्टेशन पर लेने कौन जाने वाला है? बकू और पीयूष ब्रो। बकू नहीं जाएगी, उसको घर में बहुत काम है। अरे बकू मतलब बकुलेस। हाँ तो जा जल्दी। पीयूष ब्रो। अरे किशला पंडित जी कितने बजे आएंगे? थोड़ा लेट हो गया है, अभी आते ही होंगे। देख
शादी के मुहूर्त में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, मन में वहम बैठ जाएगा और समधी जी बोलेंगे कि चिंता मत करो, सब समय सर हो जाएगा। देख मैं पहले से आगाह कर रही हूँ, अगर बाद में कोई कुछ बोलेगा ना तो ये वन लीला बराबर जवाब देगी उसको। महिमा तैयार हो जा। हाँ। अरे ये तोरण क्यों नहीं लगाया अभी तक? अयो रजनी ये लो नमक। अयो ये सिस्टर का मिस्टर एक काम बराबर नहीं करेगा। इधर बासुंदी बन रहा है, शक्कर चाहिए नमक नहीं। अयो हम नमक सब्जी के लिए लाया, तुम्हारे बासुंदी के लिए नहीं। चुपचाप काम कर नहीं तो गिर जाएगा। क्यों नीना, रमेश के लिए खाने में क्या स्पेशल बनाया है? स्पेशल वेशल कुछ नहीं है, जो बना है वही रमेश खाएंगे। आज तो खाना स्पेशल बनेगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसको मामूट्टी तड़का मारने वाला है सर। अयो मेरा भाई। डीवीडी चल होटल में जाके खाते हैं। अयो स्वामी भावेश अन्ना का मेहमान नहीं आया अभी तक। यो अभी आते ही होंगे। चलो एक तो आ गए। भावेश। हाँ पापा। भावेश हाँ? ये कोट देखो। अरे कितना ढीला है। क्या हुआ, कैसे सिया है टेलर ने? अरे हाँ पापा ये तो वाकई ढीला है। हाँ? मैं टेलर को फोन करता हूँ एक मिनट। हाँ। हेलो भावेश वसावड़ा बोल रहा हूँ। अरे भाई वो कपड़ा दिया था तुमको सिलाने को, तो कोट इतना ढीला क्यों सिला है पापा का? क्या अरे लेकिन ऐसे कैसे किया? अरे सो गया था क्या? अच्छा नहीं सोया था तो ऐसे कैसे किया तूने? अरे आज शादी है, अभी क्या करेगा तू? एक बात क्या कहा उसने? सॉरी बोला। तो आपका कोट मेरे नाम का सिलाया और मेरा सूट आपका नाम का सिलाया। क्या? हाँ अरे यार ये तो क्या हुआ पापा? अरे भावेश बेटा उस टेलर ने गलती की, पर गलती भी कितनी सही की। हा? देखो भावेश बेटा आज तुम मेरी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे, तुम अंबिका के सिर्फ भाई नहीं पिता समान। हा? ये कोट तुम पहनो यही ठीक है। पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो भी क्या कम है, तुम जैसे बेटे ही कॉमन मैन की शक्ति हो भावेश बेटा। आज तुम हो तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई है, भगवान तुम्हें खुश रखे। पापा ना पापा सब ठीक होगा ना? मुझे टेंशन आ रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे चिंता मत करो भावेश बेटा, ये है ना भगवान पे भरोसा रखो एंड बी पॉजिटिव। हाँ पापा। चल चल जल्दी तैयार हो जा। अंबिका बेटा आज तो बहुत सुंदर लग रही है, लगता है तेरी नजर उतारनी पड़ेगी आज। पवन कुमार देखेंगे ना तो पवन में उड़ने लगेंगे। पापा सुखी रहो बेटा। सुखी था दिख रही पापा। बोटा भाई भाभी आज तक आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए अगर थैंक यू कहूंगी तो बहुत छोटी लगूंगी। हाँ पर एक बात जरूर कहूंगी, जो था जितना था जैसा था आप लोगों ने हमेशा मुझे राजकुमारी की तरह रखा।
अंबिका के साथ बाद में आना। चल चल बकू आओ। चलो चलो। वो हार मैंने फ्लावर्स वाले को इंडियन क्यूरेंसी दिया लेकिन हार लेना भूल गया। हाय बकुड़ा। कोई बात नहीं, मानस मात्र भूलने पात्र बकू। ओके। अरे भूल जा वाले, बाहर बारात खड़ी है भाई, बोलो ना कुछ। अरे ठीक है भाई, हार हार क्या करते हैं, तुम लोग जाके उनको रिसीव तो करो। अरे भाई हमारे गुजरातियों में वधु वर के गले में हार डाल के वर का स्वागत कर दिए, तो हार तो चाहिए। हाँ। शादी के पहले ही हार पहनाते हाँ रमेश। डोंट वरी, रमेश है ना, सब देख लेगा रमेश। भावे चल चल, ये तुम लोग रिसीव करो उनको। चल चल। हेलो हेलो पीयूष ब्रो। आइए आइए जमाईराज। बक्कू स्वागत करते वक्त जमाईराज का नाक बराबर खींचना। अरे डरिए मत पवन कुमार, ये तो सास का हक होता है। अरे अरे जरा धीरे से नाक खींचना, मेरा पवन इतना नाजुक है ना कि अगर आप जोर से नाक खींचेगी तो इसका नाक आपके हाथ में आ जाएगा। अरे एक मिनट एक मिनट, भाकुड़ी भावनगर वाले का फोटो तो खींचने दे। ले हाँ एक मिनट। ये कचरा क्यों आ रहा है अंदर? अरे तेरे क्यूरली क्यूरली बाल बीच में आ रहे, आगो कस। यो क्यूरली नहीं करलाई। अरे क्यूरली यू है ना, यो करलाई वाई है ना। आगो रहने भाई, आगो क्या। हाँ एक मिनट। पीछे रो भाकुड़ी, पहुंच दे पहुंच। अरे यार ये बैटरी। ओवे माइल माइल सर, चीज हाँ चीज बटर जो भी है बोलो। अगर भाई बकुला देख तो उनकी नाक तो काली नीली हो गई। और संभल के संभल। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी। हाँ ब्रीथ 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 ओके। अरे क्या पवन कुमार स्माइल भी नहीं दिया, ये फोटो एकदम ढीला ढप आएगा। आपकी नाक बकू, फिर देखता हूँ कैसे स्माइल करते हैं। यसु वाड़े, हमारा भी स्वागत होगा कि हमको यहाँ ऐसे ही बुलाए। सॉरी 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 कृष्णकांत जी, ये है पवन के फुआ प्राण जीवन कुमार और हम इन्हें बहुत मानते हैं। हेलो फुआ। बड़ा का मानना। प्राण जीवन कुमार ये है अंबिका के पिता कृष्णकांत और ये छोटे भाई पीयूष और ये है बकुला बहू, बड़ी बहू घर की। और भावेश, भावेश नजर नहीं आ रहे। अरे रमेश हार का क्या करेंगे, कॉलोनी के बाहर भी नहीं जा सकते हार लाने के लिए, सब लोग वहीं पे गेट पे खड़े हैं। डोंट वरी रमेश है ना, रमेश कुछ ना कुछ करेगा। अरे क्या करेगा रमेश? भावेश हा? अरे क्यों ना इसका ही हार बनाते हैं। अरे इसका हार कैसे बनाएंगे रमेश? अरे और कोई चारा भी नहीं है, वरना बाहर तुम्हारी ही हार होगी।
भावेश कौन है? अब ये भावेश है अंबिका के बड़े भाई। सुवाड़ी यहाँ बारात दरवाजे पे खड़ी है और बड़ा भाई गायब। अरे हमारे स्वागत से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? अरे आजकल के बच्चे रीत रिवाज कुछ जानते ही नहीं है। देखिए आप लोगों के स्वागत की तैयारियों में लगा होगा। क्या है हमें कोई ताना मार जाए वो हमें पसंद नहीं है। आइए आइए पवन कुमार जी आइए सब लोग आइए आपका स्वागत है। हार का बंदोबस्त हो गया। मैं फुआ। अरे हाँ पवन के फुआ प्राण जीवन कुमार। अरे वाह प्राण जीवन कुमार एक नाम में दो दो विलन। क्या ऐसे ही जॉक्स जॉक्स। कन्या को बुलाइए वरमाला के लिए। हाँ अरे गुड़ी अंबिका बेन को ले आना। मेरे को नहीं अंबिका बहन को उठाओ नहीं तो हार कैसा पहनाएगी। क्यों रिस्क लेना चाहता अंबिका को कैसे उठाएंगे हम सबको स्पॉन्डिलाइटिस के बेल डाल के घूमना पड़ेगा। मोटा भाई मैं हूँ ना। समधन जी हम क्या बताएं हम लेकर आए थे आज स्वागत बहुत ठंडा रहा नहीं हुआ कुछ खास। समधी जी के स्वागत में वो चाहे सभी खड़े हो फिर भी खुशी से स्वागत है चाहे अभी लड़े हो। क्या बात है दोपहर। अरे लड़े तो हम पहले थे। अरे बुआ जी फटाने की दुकान तो अंदर खुलेगी मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा तो पिघल जाऊंगा वैसे नारियल भी बहुत भारी है। चलिए चलिए आइए 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 बताइए बताइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक तरफ पवन कुमार के फुआ दूसरी तरफ हमारी फुईबा दोनों तलवार तान के खड़े कहीं दोनों मिलके मेरा ये डरावना सपना सच ना कर दे। शुभ शुभ बोल भावेश शुभ शुभ बोल बी पॉजिटिव